हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कोमल पुरोहित और आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इजी 3 बन हेयर स्टाइल, जो कि आप कोई भी फंक्शन पे, चाहे घर में वेडिंग हो, संगीत हो, पूजा हो, आसानी से क्रिएट कर सकते हो। सो गाइज, मैं अभी बनाने जा रही हूँ मेरी फर्स्ट हेयर स्टाइल, जिसमें मैंने मिडल पार्टीशन कर दिया है और आगे की तरफ दो बड़ी फ्लिक्स निकाल दी है। और पीछे वाले बालों को अब मैं क्या करूँगी, कोम लूँगी और अच्छे से कोम करके, टैंगल फ्री करके और रबर बैंड की हेल्प से टाई कर दूँगी। प्लीज़ मेक श्योर कि कोई भी लॉन्ग लेंथ का जो बाल है वो बाहर निकला हुआ ना हो, और मैं रबर बैंड से बहुत अच्छे से उसे बांध के सिक्योर कर दूँगी। अभी मैं क्या करूँगी ना, साइड वाला जो मैंने पार्ट किए थे आगे, मतलब दो पार्ट्स किए थे ना, उसमें से एक साइड का पार्ट लूँगी, वहाँ पे दो सेक्शन करूँगी और अच्छे से ट्विस्ट करते हुए पहला सेक्शन दूसरे सेक्शन पे डालते हुए, ट्विस्ट करते हुए पूरी चोटी तैयार कर दूँगी। यहाँ पे मैं, आप देख रहे हो, मैंने बाहर वाले बाल लिए, ऊपर की तरफ उसे डाला, वापस उन सबको नीचे लिया, वापस दूसरे बाल लूँगी, ऊपर की तरफ डालूँगी दूसरे सेक्शन पे और उसे ट्विस्ट कर दूँगी। तो बस आपको ट्विस्ट करते रहना है एक के ऊपर एक और पूरी चोटी तैयार कर देनी है। सो फ्रेंड्स, है ना, मैं इस तरह से ट्विस्ट करते हुए अपनी ये पूरी चोटी तैयार करूँगी एक साइड की। ये वाली हेयर स्टाइल है ना फ्रेंड्स, आप कोई भी इंडियन आउटफिट पे पहन सकते हो, साड़ी हो चाहे लहंगा हो, सब पे चली जाती है। और घर पे कोई भी फंक्शन हो, चाहे वेडिंग हो, संगीत हो, छोटी मोटी पूजा का कोई फंक्शन हो, बहुत सुंदर लगती है ये इंडियन आउटफिट पे। तो इस तरह से मैंने पूरी चोटी को ट्विस्ट कर दिया है और पीछे की तरफ लेके जाऊँगी और बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से मैं इसे सिक्योर कर दूँगी। दो बॉबी पिन आपको लगानी है, एक के ऊपर एक आपको क्रॉस करते हुए लगानी है ताकि बाल निकले नहीं वापस। सो फ्रेंड्स, इस तरह से है ना, मैं वो दूसरा साइड भी कंप्लीट कर दूंगी, टू पार्ट्स कर दूंगी और एक के ऊपर एक ट्विस्ट करते हुए डालती रहूंगी और पूरी चोटी को रेडी कर दूंगी मैं। इसे भी पीछे की तरफ लेके जाऊंगी और अच्छे से बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर कर दूंगी। अगर आपको है ना बाल थोड़े आपके टाइट लग रहे हैं तो आप थोड़ा लूज़ कर दो अपनी फिंगर्स की हेल्प से, और छोटे मोटे जो बाल बाहर की तरफ आ रहे हैं उसे आने दो, अच्छे लगते हैं वो थोड़े फ्लिक्स के जैसे अगर बाहर निकले हुए रहते हैं तो। अब मैं एक डोनट बन लूँगी और पीछे की तरफ जो पोनीटेल बनाई है उसमें डोनट बन डाल दूँगी और बालों को स्प्रेड करते हुए रबर बैंड की हेल्प से सिक्योर कर दूँगी। अब जितने भी एक्स्ट्रा बाल हैं ना जो बन के बाहर निकले हुए, उन्हें नीचे की तरफ लेके जाऊँगी और अच्छे से इकट्ठा करके ट्विस्ट कर दूँगी और यूपिन की हेल्प से सेफली मैं उसे पैक कर दूंगी। सो गाइस, अगर है ना छोटे बाल निकल भी जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इस पर एक गजरा एक्सटेंशन लगाने वाली हूँ जिसकी हेल्प से है ना ये छोटे छोटे बाल भी सारे कवर हो जाएंगे। तो इसमें आपको वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप यूपिन की हेल्प से जितने बाल सेफली सिक्योर हो सके या मतलब टक इन हो सके उतना कर दीजिए, बाकी रहने दीजिए। तो अब मैं यहाँ पर ये गजरा ले रही हूँ, आर्टिफिशियल गजरा है, तो उसके दोनों साइड पे मैंने यहाँ पे बॉबी पिन लगा दी है और अब मैं जुड़े के दोनों ओर इसे टक इन कर दूंगी। सो यस, ये मेरा जुड़ा होता है यहाँ पे कंप्लीट, बहुत ही सुंदर लग रहा है और बना भी बहुत अच्छा है। आप इसे साड़ी के साथ में, लहंगे के साथ में आसानी से बना सकते हो और सुंदर भी बहुत लगता है ये। सो फ्रेंड्स, बारी आती है अभी नेक्स्ट हेयर स्टाइल की, जो कि है साइड मैसी बन हेयर स्टाइल। बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये साड़ीज कुर्तीज़ पे भी अच्छा लग जाता है, टीनेजर्स पे भी अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि ओनली लेडीज़ ही बनाए, ये टीनेजर्स भी बना सकते हैं अपने कोई भी लहंगा आउटफिट्स पे वगैरह, सुंदर लगता है। तो मैं यहाँ पे तीन पार्टीशन कर रही हूँ, नॉर्मल से तीन सेक्शन कर रही हूँ, और जैसे गूंद की चोटी कैसे गूंदते हैं उसी तरह से गूंदना है आपको। बस आगे वाले जो सेक्शन है उसे लेते जाना है और गूंद की चोटी बनाती जानी है। अब देखिए, आगे का पार्टीशन मैं ले रही हूँ और गूंद की चोटी बनाती जा रही हूँ। थोड़े बहुत आपको फ्लिक्स भी छोड़ देने हैं, सुंदर लगता है क्योंकि मैसी बन है तो अच्छा लगेगा ये। इस तरह से अब मैं रबड़ की हेल्प से इसे चोटी को अच्छे से सिक्योर कर दूंगी ताकि कोई भी बाल नहीं निकले उसमें से। सो अब मैं क्या करूँगी ना, पीछे वाले बालों को अच्छे से इकट्ठा कर दूँगी और एक नॉर्मल सी ब्रेड बनानी है, बस कुछ ज़्यादा एफर्ट डालने नहीं है। नॉर्मल से आप जो गूंद की चोटी बनाते हैं उस तरह से बना दो और एंड तक बनानी है, उसके बाद में रबर बैंड लगा देना है। अब इसी ब्रेड की हेल्प से है ना मैं पूरा बन बनाने वाली हूँ। मैं यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल बन यूज़ में नहीं लेने वाली हूँ। अब यूपिन की हेल्प से अच्छे से मैं बन को सेफली है ना पिनअप कर दूँगी, मतलब टक इन कर दूँगी ताकि बन का शेप मिल जाए उसे और
एक्स्ट्रा बाल कुछ निकले नहीं, वैसे तो थोड़े बहुत निकलेंगे तो चलेंगे क्योंकि ये एक तरह का मैसी बन होने वाला है, बट बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। अब जो साइड में मैंने जो चोटी बना रखी थी उसे भी राउंड में लेते हुए, बन के चारों तरफ लेते हुए अच्छे से टक इन कर दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, एक वाइट कलर का आर्टिफिशियल फ्लावर लेकर साइड में बन के लगा दूंगी। सो यस, ये भी होता है मेरा हेयर स्टाइल कम्प्लीट। सो गाइस, अभी बारी आती है लास्ट हेयर स्टाइल की, जो कि है स्लिक बर्न हेयर स्टाइल। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है आजकल, टीनेजर्स हो चाहे मैरिड वुमेंस हो, कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। इंडियन आउटफिट के साथ बहुत अच्छा जाएगा, चाहे वो अनारकली हो, साड़ी हो, लहंगा हो, सबके साथ सुंदर लगता है ये हेयर स्टाइल। तो मैं यहाँ पे सारे बालों को पीछे की साइड लेके जा रही हूँ, मैंने मिडल में पार्टीशन किया है और अच्छे से बालों को पीछे की तरफ लेके जा रही हूँ और रबर बैंड की हेल्प से एक टाइट पोनीटेल बना दूंगी। अब मैं साइड में जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स निकले हुए हैं ना, उसे बॉबी पिन की हेल्प से सेफली टक इन कर दूंगी। अब मैं एक डोनट बन लूंगी और पीछे पोनीटेल में डालूंगी, बालों को स्प्रेड करते हुए अच्छे से रबर बैंड से उसे पैक कर दूंगी और जितने भी जो एक्स्ट्रा बाल निकले हुए हैं वहाँ पे यू पिन की हेल्प से पैक कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं ना सेटिंग स्प्रे लूँगी बालों का और अच्छे से बालों के ऊपर मैं उसे स्प्रे कर दूँगी ताकि जो भी बेबी हेयर्स है ना वो अच्छे से सेट हो जाए। अब मैं एक कोम लूँगी, छोटा कोम ले रही हूँ मैं यहाँ पे, अच्छे से उसे है ना मेरे बेबी हेयर्स को सेट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्प्रे यूज़ किया है तो वो आराम से सेट हो जाएंगे। सो इस तरह से मैंने मेरा ये स्लिक बन हेयर स्टाइल बना दिया है। बहुत सुंदर लगता है इस तरह का ये बन, बट अभी है ना ये थोड़ा सिंपल लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, एक आर्टिफिशियल फ्लावर ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। मैंने यहाँ पे रोज़ का एक आर्टिफिशियल फ्लावर लिया है और बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से मैं उसे टक इन कर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी तीनों हेयर स्टाइल होती है कम्प्लीट। इंडियन आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से चली जाती है ये तीनों ही हेयर स्टाइल। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।